हेलो फ्रेंड्स, मैं बीना राघव और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरह से आप अपने फेस को ग्लोइंग और टाइट और काफी ब्राइट और शाइन लुक दे पाएंगे। देखिए, बहुत इजी है अगर सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, बहुत थोड़ी सी मेहनत है और ये मेहनत भी आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है करने में। आप अपने घर में करिए, बाहर पार्लर में जाकर पैसा खर्च करने से अच्छा है आप अपने घर में ही अपनी स्किन को थोड़ा सा समय दीजिए तो आपकी स्किन भी हेल्दी होगी और आपका जो पार्लर में जाके पैसे खर्च होते हैं वो भी बचेंगे। तो हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ऑयल से, मेरे पास है ये पैरासूट का ऑयल, नारियल का तेल, मैं इससे आज आपको बताऊंगी। अगर आपके पास जैतून का तेल है, ऑलिव ऑयल का तेल है, तो आप उससे भी कर सकते हैं, या आपके पास कोई मार्केट का ऑयल जो आपके फेस को सूट करता है आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये जो कोकोनट ऑयल है ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, तो मैं इसी से बताऊंगी, आप अपने हिसाब से देख लेना। और क्या होता है, देखिए जो चेहरा होता है ना, ये औरत के लिए सबसे कहते हैं ना जरूरी चीज लगती है। अगर उसके चेहरे में कुछ भी हो जाता है तो वो कुछ ना कुछ, तो लेडीज होती है डिप्रेशन में चली जाती है कि चेहरा खराब हो गया, तो उसके लिए आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मार्केट में ज्यादा जाकर पार्लर में ज्यादा जाकर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही अपनी स्किन को हेल्दी बना सकती है और वो कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है इस ऑयल का, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि हमें किस तरह से क्या करना है। देखिए, चेहरे पर ये जगह पर हमारे फाइन लाइंस हो जाती हैं, यहाँ पर बहुत गंदी लगती है और ये जगह जो होती है ये भी हमारी अजीब अजीब सी होने लगती है, चेहरा काफी ढीला ढीला हो जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी फिंगर्स पर देखिए ऑयल लेना है, अच्छा खासा ऑयल लेना है और आपको अपनी फिंगर्स पर इस तरह से इसे अच्छे से रब करना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। और फिर आपको, मैं आपको फुल फेस की मसाज बता रही हूँ, आपको अपने जो गला है ना, ये गला, इस पर सबसे पहले यहाँ से इस तरह से ऐसे करना है, देखिए ऐसे कि थ्री टाइम आपको स्टेप करना है, थ्री टाइम, इस तरह से आपको अपने स्किन को ऐसे करके ऊपर करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी ये जो स्किन होती है ना यहाँ से ढीली ढीली हो जाती है, गर्दन की तरफ से ऐसा होता है ना, जैसे जब टाइट नहीं रहती है ढीली ढीली होती है, तो यहीं से थोड़ा लटकने जैसा हो जाता है, हमारी स्किन लटक रही है, तो हमें इसे ऐसे ऐसे करके टाइट करना है ऊपर की तरफ इसी ऑयल से। ये स्टेप आपको 10 टाइम यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप आता है वो आता है, ऑयल ले लिया, यहाँ पर इस तरह से इन उंगलियों को आप ऐसे कर लीजिए, भले से ऐसे कर लीजिए, ये आपको डेली करना है, डेली थोड़ा सा ऑयल और लिया, फिर रब किया, फिर आपको ये जो है देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ये आइस का एरिया, वहां से आपको ऐसे करना है बहुत स्मूथली, देखिए हमारे आंखों को रिलैक्स मिलना चाहिए, हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हम बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है ये
इसको यू करके पीछे ले जाएंगे। देखिए सब सारे स्टेप आपको 10-10 टाइम्स रिपीट करने हैं, ठीक है। हमारा आता है फॉरहेड, इसको भी आपको इस तरह से करना है। देखना खुद से ही देखना कि आपकी चेहरे पे कितना ग्लो आ जाएगा। देखिए चेहरा जो है ना, आप इसकी मसाज करने पर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, सोचते हैं कि चेहरा है खराब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि चेहरा जो है, देखिए चेहरा उम्र बढ़ने पर ही खराब नहीं होता है, कभी कभी कम उम्र पर भी हमारा चेहरा बहुत खराब हो जाता है। जब हम ध्यान नहीं देंगे अपने चेहरे पर तो हमारा चेहरा खुद ब खुद खराब होने लगेगा। ये तो हमारा फर्ज है कि हमारा चेहरा है, हमें इसे किस तरह से हेल्दी रखना है। एक्सरसाइज, योगा और इन सब के साथ आपको देखिए थोड़ा बहुत यूज करना है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, आप उनका सूप भी पीजिए। आप अपना खाने पीने को भी बहुत अच्छे से, डाइट जो है आपकी उसमें भी आप जो होते हैं स्किन के लिए, डाइट में जो जो चीजें आप यूज करते हैं वो भी बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि उसका भी इफेक्ट बहुत आपकी स्किन पर पड़ता है। तो ये जो है स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये अगर हम डेली करेंगे तो हमारी स्किन अच्छी होगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।